कौन जीतेगा सुपर लेडी का अवार्ड। अब ये जानने के लिए हम बुलाते हैं सुपरस्टार जग्गा पाड़े। इस साल के सुपर लेडी का अवार्ड जाता है सुपर लेडी 80 रिव्यू ताकी। बात कर लूंगा सर। ठीक है, आप उन्हें पूछ के मुझे कंफर्म कर दीजिए। जी सर। ओके, थैंक यू। हेलो मैडम, मुझे एक बड़ी न्यूज़ चैनल से फोन आया था और वो दादी का इंटरव्यू लेना चाहती है। कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, मैं रखता हूँ। 5 4 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामनाथ, आपको स्वागत करता हूँ इस शो में जिसका नाम है आमने सामने। लेना तो चाहता था इंटरव्यू रिव्यू दादी की, लेकिन उनके कामयाबी के पीछे जिसका हाथ है वो है पूरी दुनिया जानना चाहती है दादी आखिर रिव्यू दादी कैसे बनी। बड़ी लंबी कहानी। देखो ना, जो मम्मी पहने थी साड़ी कैसे 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 कमेंट आते हैं। ये तो हमने नहीं दिया था, वो नौकर राजू ने दिया था। राजू ने? ये राजू की साड़ी मम्मी ने? हम तो वो 2000 की साड़ी लगे मम्मी को दिए थे। और दूसरी साड़ी लगी, पता नहीं इतना सस्ता साड़ी उन्हें कैसे पसंद आया। वो तो राजू को प्यार करती है, हमें तो प्यार ही नहीं करती है। तो हमारा पसंद आएगा ना, हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से तो नहीं। इसीलिए तो दोस्तों फंस रहे थे। पता है, ये जब साड़ी पहन के बैठी थी मम्मी को देख के सब हंस रहे थे, फिर मम्मी भी कुछ कुछ उसको सुनाई देता था पहले से ही हंस रही थी। अब समझ में नहीं आ रहा इस उम्र में उस बुड्ढी का क्या क्या है। अरे ये क्या, ये साड़ी भाड़ी ये सब कुछ नहीं यार, हम तो दिन भर काम करते आते हैं, रात को चैन से सोने नहीं देते। हर रोज उठते ही भजन भजन हरे कृष्णा, ये क्या है यार। क्या करे बुढ़िया का। अरे राजू भाई, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं। अब कुछ दिन पहले की बात है, वो मेरे फ्रेंड्स आए थे, वो बाथरूम से गर्बू आ रही थी। जब मैंने बाथरूम से लेकर बेड तक देखा, बाथरूम के छिटके गिरे थे और उनके सामने मेरा सर झुक गया। अब क्या कर सकते हैं, लेके छोड़ देते हैं, ना खराब कर देते हैं। समझ छोड़ने की बात चल रही है। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ऐसे ही बात कर रहा था।
अरे यार देखो ना ये कैसे कपड़े पहन रहे हैं। क्या हुआ? अरे ये क्या, ये तो हमने नहीं दिया था इन्हें। ये कौन दे दिया? लगता है राजू ने दिया है। मतलब हम एक साड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते इनके लिए? हमारी 2000 की साड़ी इन्हें कुछ भी पसंद नहीं आई, बट वो राजू ने 200 रुपए की देखी उन्हें पसंद आ गई। ये कैसी बात हुई? मतलब मेरी इज्जत का तो फालूदा ही हो गया यार। बोलो ही मत तुम। Absolutely magnificent. Tony finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room. And it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. Well, he's demolished it. He really has. 91 from 79 deliveries. MS Dhoni, 8 fours, 2 sixes. Look at the scenes here. Great joy for the one KD. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India. बुढ़ा परेशान मत कर। हराम को वक्त होगा। हराम ये करण को भी अभी जाना था। खाना बनाना पड़ता है। इनकी जगह अगर तुम्हारी काम होती तो। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं इतना जानती हूँ मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। ये क्या बात हुई? क्या हुआ बड़ी माँ की? कुछ ठीक नहीं लग रहा है माँ जी के साथ। क्या करें? आइडिया, आपने आईपीएल देखा है? उससे क्या होगा? उसमें जो रिव्यू लिखा जाता है ना, माजी लिखेंगे। हाँ। कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ? बहुत अच्छा है, इसको तो मैं ही लिखूंगा। जरूर मैं अपने यहाँ में प्रैक्टिस करूंगा। ऐसे चल रहा है। हाँ, देखो वो बहुत ट्रेंड हुआ है। 10,000 रिव्यू आया है। हाँ सर, और 10,000 रीड रिव्यू है। अरे भाई देख क्या रिव्यू है, सुपर है ना। वाह फैंटास्टिक, क्या बात है। 80 साल की औरत और क्रिकेट की रिव्यू, वाह मानना पड़ेगा। आज मेरा तो इस साल के सुपर लेडी अवार्ड जाता है सुपर लेडी एट 80। मैं हूं रामनाथ, आपको स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है आमने सामने। पूरी दुनिया जानना चाहते हैं दादी आखिर रिव्यू दादी कैसे बनी। ये थी उनकी कहानी। आप बताइए दादी की गलती ही क्या है? क्या उनकी गलती ये है कि उनको सुनाई नहीं देता? अरे उम्र के साथ साथ तो सुनने की शक्ति कम हो जाती है, इसी तरह आगे जाकर हमारे साथ भी हो सकता है। दांत तो आजकल बच्चों के भी झड़ते हैं, अब 80 साल के औरत के 4-5 दांत झड़ गए तो क्या? सबसे अहम बात कहते हुए भी शर्म आती है। माँ अपने बच्चों की परवरिश में हर बदबू खुशी खुशी झेलती है, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप की सेवा में क्यों कतराते हैं? उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने माँ बाप को प्यार लौटाए, बिना हिचकिचाहट के सारी सेवा करें। याद रखें, जैसा सलूक हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं वैसा ही सलूक हमारे बच्चे भी करेंगे। अंधे वो भी होते हैं जिनको दूसरों की तकलीफें नहीं दिखती है, बहरे वो भी होते हैं जिनको दूसरों की फरियादें सुनाई नहीं देती, गूंगे वो भी होते हैं जो